नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको नरवई राजस्थान, जहां राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपको चुनना है, आप स्वास्थ्य योजना चाहते हो, 500 रुपए का सिलेंडर चाहते हो, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए चाहते हो, ओपीएस चाहते हो, पुराना पब्लिक पेंशन स्कीम, या फिर अदानी सरकार चाहते हो, अरबपतियों की सरकार चाहते हो, ये सारी की सारी योजनाएं हैं। बीजेपी की सरकार आएगी, सारी की सारी बंद हो जाएगी। ये आपको जो फ्री में स्वास्थ्य की योजना मिल रही है, पुराना पेंशन स्कीम, 500 रुपए का सिलेंडर, ये सारा का सारा उठा के इसका पैसा अदानी जी के जेब चला जाएगा। चुनना आपने है। राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 साल बहुत अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। पूरी दुनिया में हमारा जो स्वास्थ्य का स्कीम है, पूरी दुनिया में ये मशहूर है। बाहर देश से एमपी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझे कहें कि राजस्थान ने स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक काम किया है, छत्तीसगढ़ ने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। ये स्कीम आपका है, ये पैसे आपके हैं। हमारी सरकार आएगी, मैंने जाति जनगणना की बात की, पहला काम यहां पे जाति जनगणना का होगा। नेशनल लेवल पे हम आएंगे, जाति जनगणना हम पूरे देश में करेंगे और पिछड़ों की आबादी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हम पिछड़ों को देंगे, दलितों को देंगे, आदिवासियों को देंगे, जनरल कास्ट के लोगों को देंगे। ये दो हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, हम मानने को तैयार नहीं कि दो हिंदुस्तान बने, एक अदानी वाला उसमें हवाई जहाज में लोग उड़े, 24 घंटा मौज करें, और दूसरी तरफ सच्चा हिंदुस्तान, भारत माता अपना खून पसीना दे, 24 घंटा अपना खून पसीना दे और उसको कोई फायदा ना मिले, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। इसको बदलने का एक बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम, क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है। मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना के बाद हिंदुस्तान बदल जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी शक्ति कितनी है। आपकी शक्ति के सामने अदानी नहीं खड़ा हो सकता, मगर आपकी शक्ति के बारे में आपको बताया नहीं जाता, और हम आपको आपकी शक्ति दिखाना चाहते हैं। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हर रोज नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद भाषण के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जी सुपा जी से निवेदन करूंगा, आप धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्मान्य राहुल गांधी जी, रंधावा जी महाराज।